क्या है माहौल आपके एरिया में? जय गिरिराज तय गिरिराज। आज बहुत जगह लोग आप लोग घूमते होंगे, चाहे इधर बरौनी में क्या है माहौल चुनाव के? सगरो बीजेपी एक सुन डालिए अब की बार मोदी जी 400 पार आर ये पुल कहाँ बन रहा, जब से जन्म हुआ है सही देख रहे हैं, कभी सुनते हैं टेंडर हो गया लेकिन आज तक तो बना नहीं है। बहुत परेशानी होता है, खासकर गर्मी धूप में एक घंटा आधा घंटा खड़ा रहना पड़ता है। क्या नाम हुआ? भल्ला साहब। क्या रहेगा चुनाव का माहौल इस बार? खूब सुंदरता रहेगा, खूब सुंदरता भी रहेगा। किसका माहौल आपको दिख रहा है? माहौल जिसका चर्चा है उसी के नाम भी बोले। आप अपना बताइए ना, हम थोड़े का चर्चा है उसी के नहीं रहेगा माहौल का चर्चा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है MD अंसार हुआ। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम शमशेर हुआ। शमशेर। क्या शमशेर जी, क्या माहौल है आपके बरौनी की तरफ चुनाव को लेकर? अभी कोई शोर शराबा भी नहीं है फिलहाल, जब होगा तब। अरे इस बारे हम नहीं कुछ कह सकते हैं, इस बारे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। आप कह सकते हैं? अरे हमें इतने जानते हैं, जो जीतेगा उसी को हम वोट देंगे, बस इतने हम जानते हैं। जो जीतने वाले हैं हम उन्हीं को वोट देंगे, बस इतने हम जानते हैं। क्या नाम हो? मनीष कुमार। क्या करते हो मनीष? सर जी कुछ नहीं है, ऐसे बेरोजगारी है सर जी, बस बैठे बैठे सर जी एक हाथ का मालिक है, और मतलब ये किसी तरह कमाते हैं खाते हैं सर जी। हम गरीब लोग हैं सर, कमाते खाते हैं। घर हुआ मनीष? मेरा सर जी घर यही वानीपनिया मदरापुर। चुनाव पर चर्चा भी होती है, कहीं लोग क्या क्या बोलते हैं, क्या है माहौल? चुनाव का प्रचार होता है सर, ये मतलब जो प्रचार होता है तो माहौल ये हो रहा ना, मतलब जो माहौल बीजेपी का बन रहा अपना ये क्षेत्र जो ले रहा बीजेपी का क्षेत्र ले रहा सर जी। अपना मतलब हाँ बरौनी अपना मदरापुर और ये पूरा जितना भी क्षेत्र ले रहा ना ये अपना ऑल टू ऑल बीजेपी पे आ रहा है। हाँ सर, आपका क्या मन है? मेरा भी मन है एक बार फिर से मोदी सरकार। IPL के इस सीजन को करे सेलिब्रेट कावेरी होटल हर्ष गार्डन के साथ। Watch IPL with delicious food at roof terrace of Kaveri Hotel Harsh Garden. IPL live screening come. Watch enjoy with Kaveri special food at Hotel Harsh Garden. क्या है माहौल आपके एरिया में? जय गिरिराज तय गिरिराज। आज बहुत जगह लोग आप लोग घूमते होंगे, चाहे इधर बरौनी में क्या है माहौल चुनाव के? सगरो बीजेपी एक सुन डालिए अब की बार मोदी जी 400 पार आर। हंसी छूट गई। दिल से जय मोदी जी। चलिए क्या लगता है बेगूसराय में क्या है माहौल लोकसभा चुनाव को लेकर, बोलेंगे कुछ? नहीं नहीं कुछ नहीं बोलेंगे, इलेक्शन को लेकर कुछ नहीं बोलेंगे। सरकारी सर्विस में क्या पब्लिक है ना, तो एक पब्लिक के नाते बोलिए क्या दिक्कत? बेगूसराय में गिरिराज सिंह हारता है, उसी के बरैया वाला के ओकर कुटुम्ब रहे छे सबके नौकरी दलबल के रिफाइनरी फर्टिलाइजर में। गिरिराज सिंह ओवर ब्रिज बना दिया जनता के, ओवर ब्रिज पर जा रहे हैं 5 साल में क्या किए सो देखता है जनता। वैसे ही बोले खाली बोझ खाने वाला एगो के नौता देता है, 75 को गरीब सहता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मोहम्मद सुल्तान। क्या सुल्तान जी, क्या माहौल है आपके इधर? माहौल तो अभी दोनों पार्टी के कुछ माहौल नहीं लग रहा है, अभी नहीं लग रहा है। एगो आपके देखिए बरौनी के लोग बड़ा पिनकल थे, सही पिनकल है, यहाँ आता है खाली गिरिराज सिंह मुर्गा मछली की दुकान को दिखाते हैं। अच्छा, पुल को लेकर यहाँ पर पुल बने आंदोलन हुआ था पिछले दिनों, याद है धरना प्रदर्शन? धरना पर बैठे बादल साहब साहब भूख से बेचारा अपने हड़ताल तोड़वाया, गिरिराज सिंह होलकी मारने भी नहीं आया। नहीं, पुल बनना चाहिए, पुल बनना बहुत जरूरी है, पुल बनना चाहिए। 15-20 गो गांव उस पार में है। अच्छा, इतना सीरियस होता है, 2-2 घंटा पुल बन अथी घूमती बंद रहता है। रिपू सम्राट से पूछते हैं, आप बताइए पुल को लेकर क्या कहेंगे?
कि पुल कहाँ बन रहा, जब से जन्म हुआ है सही देख रहे हैं, कभी सुनते हैं टेंडर हो गया लेकिन आज तक तो बना नहीं है। बहुत परेशानी होता है, खासकर गर्मी धूप में एक घंटा आधा घंटा खड़ा रहना पड़ता है। पिछले दिनों आंदोलन भी हुआ है जी, उसमें हम भी थे, लेकिन उस दिन बताइए जिस दिन आंदोलन हुआ था, पिछला बोगी क्रॉस नहीं करता था, गुमती खुल जाता था, ऐसा रोज क्यों नहीं होता है? उस दिन जिस दिन धरना पे हम लोग बैठे थे, ट्रेन बढ़िया से पास भी नहीं होता था पिछला बोगी और गुमती खुल जाता था, तो रोज ऐसा क्यों नहीं होता? एक बात बताइए, हम यहाँ के नागरिक होने के नाते आपसे पूछते हैं, ये मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? हाँ बिल्कुल रहेगा, गिरिराज सिंह से बोला जाएगा कि यहाँ पर पुल का टेंडर पास करवाइए। आप लोगों ने कभी अपने सांसद को कहा कि ये पुल बनवाइए, हजारों लोगों को परेशानी होती? जी बोला गया है उनको, लेकिन ध्यान नहीं दिए हैं, लेकिन वो भी जान रहे कि ये गुमती पर बहुत आदमी को परेशानी होता है, कम से कम बारो अमरपुर गंगा प्रसाद सिमरिया रूपनगर का ये रास्ता है जाने का, और यहाँ आके फंस जाता है। कितना तो रोगी यहाँ दम तोड़ दिया लाइफ लाइन जाने के क्रम में, मेरे गांव का घटना है, डिलीवरी पेशेंट की यहाँ पर भी गंजन हो जाता है। ये बहुत गंभीर बात बोल रहे हैं। गंभीर बात है, बनना चाहिए और बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है बनना है। ये मुद्दा बनेगा जी, एकदम ये जनहित का मुद्दा है, एकदम एकदम। हम लोग जब बोलेंगे उनको कि कम से कम पुल इस बार पास करवाइए, हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, हम जन्म से देख रहे हैं इसे कैसे ही पड़ा हुआ है और आज तक देख रहे हैं परेशानी हो ही रहा है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम रिपु सम्राट है। देखिए रिपु सम्राट सहित कई लोग यहाँ कह रहे हैं, दिखाइए सिद्धांत उधर दिखाइए, देखिए अभी गाड़ी जा रही है और ये लगातार दिन भर में कितनी गाड़ी जाती आती होगी यहाँ से? हमको लगता है 100-200 से तो कम नहीं जाती, आप कम से कम ज़्यादा ही, कम से कम मालगाड़ी ये बहुत ज़्यादा जाती है, मालगाड़ी के लिए 5-10 मिनट कम से कम। हाँ लगभग दिन भर में कितना खुला रहता है ये? हमको लगता है 40-45 मिनट में एक बार 2 मिनट के लिए खुलती है, तुरंत गिर जाती है। ये बड़ी समस्या है आपके यहाँ पुल की समस्या? जी बहुत। क्या कहेंगे, आए दिन इसका समस्या का जूझना पड़ता है हम लोग को, बड़े दिन में अगर 10 बार आते हैं तो 1-1 घंटा गुमती पे ही गुजर जाता है, इसका कोई सलूशन आज तक नहीं हुआ है। क्या मुद्दा होगा आपके यहाँ चुनाव का इस बार? हम लोग के लोकसभा चुनाव में तो यही मुद्दा है, गुमती का ही। गुमती का मुद्दा रहेगा? बिल्कुल रहेगा, नोटा दबाएंगे, किन्हीं पार्टी को वोट नहीं देंगे, हमने तो यही सोच रखा। क्या नाम हो आप? भानु प्रताप सिंह। नोटा खाए दबाइएगा लोग, नोटा तो एक मन के चलिए नाराजगी का नाराजगी है ना, 5 साल सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, कुछ भी नहीं कर पाए बेगूसराय के लिए। एक ये दूसरी गाड़ी जा रही है, ये दूसरी गाड़ी जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल तुरंत तुरंत गाड़ी जाती है, बस 2 मिनट के लिए घूमती खुलता है, उससे ज्यादा नहीं। मुद्दा रहेगा ये चुनाव में यहाँ पुल बनना? क्या नाम हुआ? भल्ला शाह। क्या रहेगा चुनाव का माहौल इस बार? खूब सुंदरता रहेगा, खूब सुंदरता भी रहेगा। बोलिएगा कुछ, कुंची का सर्वे है, हम लोग पूछ रहे हैं जनता के क्या रहेगा चुनाव मुद्दा इस बार लोकसभा चुनाव, ये पुल यहाँ बहुत दिन से मांग हो रही है। अच्छे मुद्दे पर खड़े हैं आप, गेटे पर देखिए रहे हैं, पुल नहीं बना है, छोटका ढाला पर पुल बन रहा है, बड़ा ढाला जो समस्या है उसका निदान। आगे बरौनी फ्लैग पास जी, बरौनी फ्लैग बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा, जबकि जरूरी यहाँ था, जरूरी यहाँ था, सबसे ज्यादा जरूरी ये और राजबरा 6 नंबर घूमते सबसे ज्यादा जरूरी ये था और बना रहा बरौनी फ्लैग, यही सब मुद्दा है। महंगाई है, रोजगारी है, पढ़ लिख के बेटा भतीजा भूख रहा घूम रहा, कहीं कोई नौकरी कहीं कोई रोजगार नहीं। मोदी सरकार कहे रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपया बिना गारंटी का कर्जा, पूछ लीजिए इतना दुकानदार है रेहड़ी पटरी वालों को, किसी को पैसा मिलता है? बैंक वाले के यहाँ जाते हैं, कहता है कि जाओ नगर कार्यालय, वहाँ जाता है तो कहता है बैंक अधिकारी के पास जाओ, टहलाता है एको गो पैसा नहीं। जितना दुकानदार है रेहड़ी पटरी वाले के एक से भी पूछिए 10,000 रुपया मिला नहीं मिला। क्या करिएगा इस बार? क्या करेंगे, महागठबंधन को वोट देंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम छोटन महतो। कौन महतो है? कुर्मी महतो। कुर्मी महतो, कुर्मी कहाँ घर हुआ आपका? फुलबरिया। ये फुलबरिया, फुलबरिया पंचायत पड़ता है ना, नगर परिषद? नगर परिषद। यहाँ कुर्मी है? हाँ। धानुक है? कुर्मी धानुक दोनों सेम है। नहीं सेम नहीं है, सुनिए छोटन जी,
सुनिए तो हमरो बात सुन लीजिए। बोलिए। दोनों के लिए अलग अलग जाति कोड आया था। वोट तो ही है अलग। जैसा जाता है कि नीतीश जी आप लोग हमेशा वोटर रहे हैं, तो क्या इस बार? अरे वो तो देखते हैं इधर सुधर करते रहते, इसलिए उन पर लोग खफा। इधर सुधर हरदम 17 महीना उनके में, 18 महीना उनके में चल जाते हैं, इसीलिए लोग खफा। फूल क्या मुद्दा रहेगा आपके यहाँ? फूल नहीं रहते जाने छोड़ जते जाम रहे छे जे। चुनाव में क्या ये मुद्दा बनेगा? चुनाव में फूल बनी थी तब नहीं, हम ये करें चुनाव में इस बार लोकसभा चुनाव हो रहा तो लोग आप लोग इसको क्या मुद्दा मान रहे हैं? मुद्दा मानेंगे नहीं, काम होगा तब चुनाव में बनेगा नहीं, फूल नहीं बनेगा कैसे होता है कभी आप लोग मांग उठाते हैं इस तरह से? बार बार कहते हैं जीत जाता है घूर के नहीं आता है यहाँ। बस चुनाव हुए भाई, ओकर बाद कोई न, चुनाव के बाद कोई न, एक भी लोग नहीं। चुनाव अखन सब अथी लिया कर देवे, आकाश में सीढ़ी लगा देवे, ओकर बाद एगो लोग न, एगो न, एगो लोग नहीं थी, एगो लोग न, कोई न, कोई बाबू है जो न, कोई न, कुल अपना पेट निकाल के रामानंद चौरसिया। पुल आपको लगता है पुल बनना चाहिए? हाँ पुल बनना चाहिए। मट्टी जांच गेले 10 साल भले, 10 साल भले मट्टी जांच गेले सगरे से, मट्टी जांच के गेले खद्दा खन खन सगरे, ओकर बाद न जब चुनाव अबे छै त ई कर के देबे उ के देबे, चुनाव के बाद कोई नेता है कोग ने, कोई न। क्या क्या रहेगा इस बार माहौल? तब माहौल रहेगा जो यहाँ से अब से तो निकलेगा।